राम राम सा, राम राम सा। मैं थाको दोस्त, थाको भाईलो, थाको मित्र कुम सिंह। आप मन देख रहे हो राजस्थान टाइम्स में, और थान लूंगा कि डिमांड ही कि मारवाड़ी में मैं आऊं और आगो हूं मैं। और आप लोग चोखो लागे तो अच्छी बात है, नहीं लागे तो बुरो मत मान जो। कोई स्क्रिप्ट तो आप लोगों का है को नहीं, आप तो सीधी संपाट बाद आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। देखो सबसे बड़ी चर्चा आज राजस्थान में ये है कि साहब मंडाओं में चुनाव है, एक और मंडाओं से बढ़कर खींवसर में चुनाव है। राजस्थान की दो विधानसभा में चुनाव है और दोनों विधानसभा में सबसे बड़ी जो अपनी खबर आ जाई है वह परिवारवाद को सीन है दोनों जगह। अब देखो बात कट थे कहोगे बैठे से अब चालू कर सियाँ, लेकिन चलो सबसे कल्ली पंचायत ही टाइम कौन सी हो रही है, खींवसर हो रही है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ने पच ले सियाँ, अब पहले मंडाओं की बात कर सियाँ। तो मंडाओं में देखो सबसे पहले तो बात करा रामनारायण जी की, बहुत अच्छा नेता रिया है ऐसा रेगिस्तान को इलाकों मंडावा या तो करे जैसलमेर, लेकिन मंडा जो जाना है जो गुम्बर है तो बिसाऊ और मैणसर और मंडाओं को आगे ना कर टाई अठिन जावे तो टीला ही टीला भेजा टीला है। तो रेगिस्तान के इलाके में पिछला काफ़ी साल से जो काम करे वो चेहर हो स्वर्गीय रामनारायण चौधरी साहब। रामनारायण चौधरी साहब साहब वहाँ का देखो राजेंद्र जी वहाँ का लड़का जिला प्रमुख भी रिया, लेकिन विरासत वहाँ की संभाले रीटा जी। रीटा जी विधायक बनिया और पछे चुनाव हार गया नरेंद्र जी का ने, नरेंद्र जी का चुनाव हार गया और पछे नरेंद्र जी दो बार जीत्या पद सांसद बन गया। अब पिछलो चुनाव हो एक साल पहले, अभी चुनाव में बहुत नज़दीकी चुनाव हो जहाँ सरपंच का चुनाव हो, अभी चुनाव हो एक वोट की कीमत ही साहब, कीमत मतलब कि लाणो और वोट में मतदान करना। पिछले की बात तो आप कर ही कौन सका, अब चाहे गाड़ी हो चेक हो चाहे कोई सांसद मुद्दे क्यों बोलो जो काम उभारो एक साल एक महीना पहले हो गए, ए विवादार विषय तो आपको काम ही को नहीं, आपने तो सीधी संपाट चौक की बात करना हो काम है। तो रीटा जी चुनाव लड़ रहे हैं और रीटा जी के सामने ही टाइम में कांग्रेस की ही नेत्री जो कोई टाइम में सुशीला शिवराज जी प्रधान रिया, चार बार तीन बार प्रधान रिया, एक बार आपका कोई ने आपका चैतन्य बना दियो सीट आरक्षित हुई। लेकिन बम है कि 14-15 गांव तो मंडावा का आवे और कुछ गांव झुंझुनू का आवे, विजेंद्रोला जी का गुटसा पर रिया है और देश में सम्मानित हुआ है। तो दुनिया की लड़ाई ऐसा बुडानिया गोत्र की बेटी है और दुनिया में जबरदस्त कांटा को मैच है। अब आप तो क्या कौन सा कौन भारी कौन भारी, लेकिन सटोरिया बोल रहा है सटोरिया वे भेजा भावताव देवर आदमी सटोरिया जानो ही हो वे चास नहीं लेकर आवारा सटोरिया कह रहे सा 10-15 पैसा को भाव है की को रीटा जी को। और वह भी बता रहे सा पर चारों मेर गांव में घूमया और के समीकरण हो रहे है क्यों बना वोट मिल रहे है, बोले रीटा जी ने रीटा जी के नाम पर वोट मिल रहे है। रीटा जी भाषण देवे बोले मैंने मरा मत दीजियो, मरा मत दीजियो मतलब कि इमोशनली मैसेज कर रहे है कि देखो यहाँ करे तो पछे गड़बड़ो जाऊ तो इमोशनल दोगे तो आ हिंदुस्तान की जनता है और सिकावटी जनता तो भेजा बोली हुए आ तो भावना में भरी है और सरकार शाणा भी लोग बोला हुआ है। अब मंडाओं में बतावे कि भेजा बड़े सरकारी कर्मचारी है, राजस्थान में सर्वाधिक ही मंडाओं में ही है। तो जना आप समझ सको कि मंडा वाला लोग समझदार है चक्कड़ लोग आम है। सोटोरिया बोले ऐसा 10-15 विषय को भाव है मतलब बहुत नज़दीकी चांस में बाकी जीत की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना। अखबार भी बोले आज भास्कर में भी खबर छपी है। अब मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो जो चीज़ है वह थन बता रहा हूँ, पाते बिजार चुनाव है इमामवाली प्रचार में आई नाम नहीं जाना बा बात तो अलग है, अब भूल जाओ है वो तो इमामवाली जी है सब सांसद मोदी है पहले फिल्म स्टार ही है भूल जाओ है भाई मन रटा के लाना पड़ सी भाई बात है। चलो आ तो होगी आपने मंडावा विधानसभा की बात, मंडावा विधानसभा गहलोत जी आया, गहलोत जी मुकाबला अठीने सतीश जी पूनिया जी भी रिया इमामवाली जी भी रिया, सतीश पूनिया जी कह रहा था सतीश पूनिया जी क्या बोलिया कि गहलोत जी आपका टावर ने एक और रोजगार दे रहा है, रोजगार कौन सा जोधपुर आ रो मेरा रो, अब बताना पड़ती सा आरसी अध्यक्ष भेजा बड्डो है अतः बावड़ा थोड़ी गेलो जी जो माना अध्यक्ष बनाकर महापौर बनाकर पूरी शान पिटी करा सी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो कहीं बोल जाओ कहीं नहीं बात है, बात आप आगे चला बात कर रहे हैं मामालनी का भीड़ की और मंडा और क्या सारी बात चौखी साहब गहलोत जी झुंझुनू में सभा भी करी सारा मंत्री कौन सा कौन आ बोनलाल जी भी आ बोनलाल जी क्या करे बोलिया राधो जीता तो से जाने हो लेकिन जानो पड़ो सा बोनलाल जी ने मोहनलाल जी जया गया और गोविंद जटाशाह जी लेगा और स मंत्री काल प्रसिद्ध सभा में स हाथ पायलट साहब भी अब यूडीएस मंत्री आ रहा धारीवाल जी नंबर दो की लड़ाई की तो बा अलग कहानियाँ भी की तो पचास बात कर सियाँ, लेकिन बात आई है उपचुनाव की तो रीटा जी अच्छी स्थिति में है। अब देखो काल वोट पड़ रहा है क्या ही उसी वो तो आप तो क्या कौन सा वोटिंग वोट पड़ेगा और चौबीस में खुलेगा दिवाली कौन मनावा है बतो देखो 24 तारीख ने बेरो चाल सी। लेकिन बात करा आपा मंडाओ से खींवसर की विषय आप परिवारवाद और वही है परिवारवाद देखो समझ लो कि सुशीला सिकड़ा जी का अभी भी ससुर जी बिजलाल जी अभी भी बहुत बड़ा नेता रिया और अठिन रीटा जी का रामनारायण जी रिया ही राजेंद्र का भाई साहब ही रिया
अब आपस में घर आए तो देखो बर्तन हुआ है तो बात जही बात तो कहानी अलग ही है। लेकिन बात जब करा आप बड़स कोई 300-400 किलोमीटर दूर चला तो नागौर को एंड में जोधपुर कन्या खींवसर की। अब खींवसर मीडिया में राजस्थान का तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, और मैं देखा तो भेजा मेहनत कर पा रहा तो सर ने भेजा फूटी फूटी बात कहे और कोई ने क्यों भी कह दे और पाछे भी वे नेता साहब को जावे वे नेताजी हमारा हनुमान बेनीवाल जी साहब भे जहाँ वही एक्टिव है आ दिना में सोशल मीडिया में और ग्राउंड लेवल पर सांसद बनगा दिल्ली में आजकल और मांगा तकदीर इतना सांड कि बे बनया लोकसभा में ओम प्रकाश आपने बिरला जी वे बन गया वे सभापति। अब बिरला जी सभापति बन गया जहाँ तो वो 12 और 25 होगी बोलबा को मौको ज़्यादा मिले लागो हर विषय में बोले लगा और राहुल गांधी ने टारगेट करना हो चाहे कांग्रेस ने टारगेट करना हो मोदी जी की बड़ाई करनी हो सब विषय पर बोले लगा। कौन है हनुमान बेनीवाल जी। तो बात आप चुनाव बैठे भी उपचुनाव है वे सांसद बन गया अठी नरेंद्र जी बन गया जहाँ मंडाओं में और भटी नागौर में खींवसर में वे बन गया जहाँ बैठे चुनाव है। अब वे देखो रामेश्वर डूडी जी के लिए करवा रहा कोई टाइम बोलिया तो आगे रामेश्वर डूडी जी ने मैं चुनाव लड़ा दिशा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बनाओ तो। लेकिन देखो बोलना की बात तो अलग है और क्या भाई बात अलग कर भाई बात अलग है भाई ने लड़ा रहे परिवारवाद से मत जोड़ो देखो बात नहीं भाई काम संभाले अभी भी देखो बात तो सही है। नारायण बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और पंग सोन में चुनाव लड़ रहा है रामदेव जी वहाँ का पिताजी ने रायड़ा रिंद्र मिर्दा जी अच्छा 80 में रहा पीछे 80 में उठा राधिया रामदेव जी माई तैसा बुजुर्ग आदमी देवता समान आज तो बाबा आते लेकिन वाकई चौखा आदमी ऐसा बाकी ये नागौर भी चारों मेर बाकी हमेशा बढ़ाई रही है। बेनीवाल जी भी विरासत में आगे ले गया है चौकी बात है बदलता दौर में लोगों की राजनीति का अंदाज भी अलग हुआ तो चाहे चुनाव हरेंद्र मिर्दा वही चुनाव इमोशनली मैसेज दे रहे हैं ऐसा मेरा तो लास्ट चुनाव है सरकार है काम करा लियो भाई बात है। अब देखो कहीं हुआ है अब बड़े गद्दन है वो गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब भी लाग रहे हैं शेखाव जी भी लाग रहे हैं गजेंद्र सिंह जी राजेंद्र राठौर जी बोले जिताओ और बठिन राजेंद्र गुड्डा जी आ गया गुड्डा जी आया मेरे बात तो देखो फायदा नुकसान हो पछे बात है गुड्डा जी बोल तो दिया बाकी कई जना तो चिड़े भी भेजे अभी वो फायदा नुकसान तो वो तो सब 24 नंबर चाल सी बाकी कांग्रेस पूरा जोर लगाए ये भंवर सिंह जी भाटी साहब है धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब मानवेंद्र सिंह जी अपना बाड़मेर आ रहा है भी बठिन से आया भी प्रचार करा अब बठिन गजेंद्र शेखाव साहब आओ तो भी आवे जोरदार मैच। अब भाण भाया के देखो वो भाई लाग रहे हनुमान बेनीवाल जी नारायण जी लाग रहे तो हरेंद्र जी का भाण भी लाग रही साहब ज्योति मिर्दा जी पूर्व सांसद वे भी लाग रहे तो जबरदस्त मैच है खींवसर में वो बेजा गाड़ियाँ घूम रही है गमियाँ मान लियो समर्थकों की बठिन पीछा में धनबल है ठीन समर्थकों की टीम है मंडाव में चीज़ को नहीं है लेकिन बठे भेजा टीम है और टीम है मैच जोरदार हो रही है जी हाँ मंडाव में रिटा जी मौजूद भी हैं देखो साहब सटोरिया तो बठे जिता रहे हैं नारायण बेनीवाल RLP व BJP RLP दोनों एक जुट हो रही है बोतल को चुनाव चिन्ह है ही है। तो बोली का तो थे जानो ही कि आपस में जब बोला है भाई बोला फूट रही बोली बोले साहब मतलब एक दूसरे ने बहुत सम्मान से बात करे बट खींवसर में तो सम्मान से बात करे वह सम्मान किया वो तो थे जानो ही भाषण में तो बोल कौन सका। तो यहाँ को सुझाव रोमांच है राजस्थान की यहाँ दोनों विधानसभा सीटों में अब दोनों विधानसभा सीटों में जीत हार के पास देखो राजस्थान में एक मैसेज जाओगे अब बात ना समझियो थे लोग गहलोत जी अगर एक सीट जीते तो ना आकी भी वाह वही है। अब रीटा जी चाहे पायलट साहब खेमा में रहो और आने वाले दिन में साहब खेमा भी बदला जा सके कोई बड़ी बात को नहीं है क्योंकि देखो रघु शर्मा जी को टाइम खेमा का भी अलग अलग हुआ करता है आजकल गहलोत जी खेमा में हुआ वो चलेगा। अजमेर में सचिन पायलट साहब उपचुनाव में जिताया अभी टाइम लोकसभा का टाइम है जी टाइम चौधरी साहब अपना चलेगा जिन्हें देखो जिताया साहब तो भाई बात है सौरमल जी जो जी टाइम चलेगा उपचुनाव हुआ तो मैं अपना मोटी मोटी बात आपने जो कह रहे हूँ कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए गहलोत जी की बढ़ाई हुआ अगर रिजल्ट नेगेटिव आवे चना के कि अठे जो नई टीम तैयार हो रही है BJP की बाकी बढ़ाई हुआ अगर धोनी चुनाव जीत ले जना मान लो कि वसुंधरा जी युग ने ये लोग मतलब कहना जगह मिल जाए कि जा देखो मैं लोग मेहनत करी और मैं कुछ कर सका और गहलोत जी ने डाउन करना को मौको मिल जाए और पास के समीकरण हो तो भाई आने वाला दिन की बात है। लेकिन मना माना जो यहाँ लगा है जो लोग सर्वे की रिपोर्टा हैं आप तो क्या लेकिन चुनाव कांटा को ऐसा रीटा जी 19-20-21 भारी हो सी नारायण बेनीवाल जी सी लेकिन चुनाव जोरदार है जोरदार तरीका से सब लड़ रहा है सब ने बहुत आदर्श आचार संहिता और उसे पालना करने की कोशिश कर सी। और देखो 259 मतदान केंद्र तो आपने बैठे खींवसर में और भी से थोड़ा 15-20 का मंडाओं में और खींवसर में थोड़ा वोटिया ज़्यादा है और मंडाओं में 1.5-1.25 लाख के आसपास वोट मंडाओं में और लगभग 2.5 लाख के सांकड़े खींवसर में और महिलाएं हैं ना तो पुरुष से 10,000 वोटर कम है। थानों में सारी चीज़ बता दी हूँ काल मतदान है निर्भीक को सभी को निर्भीक होकर मतदान करना है
और यूँ माने कि बिल्कुल मत आपका अधिकार है, आप जिस तरीके से मत का इस्तेमाल करें, निष्पक्ष रूप से आप ये मतदान जो निर्वाचन आयोग है वो मतदान करवा रहे हो है, और वहाँ लोगों ने बधाई का पात्र है, कोई सरकार का न केंद्र का डर से है, न कोई राजस्थान की सरकार का डर से है, और एकदम निर्भीक रूप से मतदान करें, निर्भीक से वोट दियो, क्यों जना ही मजा आवे साचिया चीज़ ने विरोध आ कौन जीत्यो कौन आ रो। तो मारवाड़ी मारो, मारवाड़ी एपिसोड क्या को लागो, चोखो लागो तो मार दो, कमेंट में जाओ आप, कमेंट में जाकर चौकी चौकी बात करो तो कर जियो, नहीं तो देखो मत करियो, क्योंकि मैं थारो सम्मान करा तो थे मारो सम्मान करियो, कमेंट में जाकर चौकी चौकी बात करियो, चौका चौका कमेंट कर जियो, अगर थे माने यूट्यूब में देख रहे हो तो हमारा चैनल ने सब्सक्राइब कर जियो, और मारा थे अगर फेसबुक पर देख रहे हो, ट्विटर पर देख रहे हो तो मन फॉलो करियो, बात आती है, और चौको लागे तो मैं सलाह भी दे सको, हमारा नंबर नीचे चले है 777 है, तो आप जाकर मैंने इंडिजुअल को सलाह भी देंगे, बात चौकी बात है तो देख जो, ठीक है। तो फिर मिला आपा ओचा ओटा मिला, इजाजत दो, थारो दोस्त विदा ले, हुकुम सिंह, राम राम साह।